इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार के सुपौल जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सभी राजनीतिक दल। आने वाले कुछ समय में विधानसभा चुनाव का आगाज होना है, वहीं हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जुट गई है। इसी कड़ी में छातापुर में जदयू पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छातापुर प्रखंड जदयू अध्यक्ष अजय कुमार आनंद की अध्यक्षता में जदयू कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में पहुंचे जदयू युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार यादव का फूलमाला एवं शॉल को देकर स्वागत किया। वहीं जदयू युवा अध्यक्ष ने इस दौरान कई लोगों को जदयू पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। अपनी विचारधारा है, किसी पर कटाक्ष करना मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं खुद पे गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं नया बिहार का सृजन करता हूँ नीतीश कुमार जी का समर्थन। शंभू मिश्रा जी, अंशु पोदार जी, विजय आनंद जी और यहाँ पर उपस्थित आज युवा जनता दल यू सुपौल की ओर से हमारे युवा जदयू के पुराने साथी आदरणीय बिमल झा जी के आवास पर यह कार्यक्रम था, जिसमें कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधि से दूर थे। आज हम उन लोगों को शामिल किए हैं, आदरणीय बिमल झा जी के साथ कुछ और साथी यहाँ छातापुर के रामपुर पंचायत से पार्टी को ज्वाइन किए हैं और हम यहाँ चाहेंगे कि युवा जनता दल यू बढ़ चढ़ कर आने वाले विधानसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान दें और यहाँ के एनडीए के कैंडिडेट को जिताने का काम करें। किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव की? तैयारी तो जो वैश्विक महामारी की स्थिति है उसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो सोशल डिस्टेंस को रखते हुए जो लग रहा है कि इस बार कोई भी कार्यक्रम आम सभा के माध्यम से नहीं हो पाएगा, हम लोग वर्चुअल रैली के माध्यम से कल दिन के 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और सारा कार्यक्रम हम लोगों को लग रहा है कि वर्चुअल ही होना है। और हम लोग जो पार्टी के साथी क्षेत्र में प्रचार करेंगे उसका एक निर्धारित किया गया कि एक टीम के साथ मात्र 5 आदमी रहेंगे और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना अनिवार्य है, उसी के तहत हम लोगों का पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।